सलमान खान लास्ट फिल्म दबंग 3 में नजर आए थे। इस फिल्म के बाद अब सलमान खान राधे में नजर आने वाले हैं। सलमान खान की फिल्में जब भी थिएटर्स में रिलीज हुई हैं, तभी उनके ज्यादातर शोज हाउसफुल रहे हैं। कोविड के बाद से सभी थिएटर्स बंद हो गए थे, अब थिएटर्स खुल तो गए हैं, लेकिन अब भी थिएटर्स के मालिक पहले जितना नहीं कमा पाते हैं। अब उनकी मदद के लिए सलमान खान आगे आ गए हैं। दरअसल सलमान अपनी फिल्म राधे को थिएटर्स में रिलीज करने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पे की है। सलमान खान ने सोशल मीडिया पे इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मुझे सभी थिएटर मालिकों को जवाब देने में काफी वक्त लगा। ऐसे माहौल में लिया ये एक बहुत बड़ा फैसला है। मैं सिनेमा घरों और एग्जीबिटरों की आर्थिक दिक्कतों से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ और मैं ऐसे में राधे को थिएटर्स में रिलीज करूँ की मदद करना चाहता हूँ। बदले में मैं चाहूंगा कि वो सिनेमा घरों में फिल्म देखने आने वाले दर्शकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। मैंने ईद पर फिल्म के रिलीज का वादा किया था और ये फिल्म इंशाल्लाह साल 2021 में ईद के मौके पे रिलीज की जाएगी। इस साल ईद के मौके पर राधे का थिएटर्स में लुत्फ उठाएं। सिनेमा हॉल मालिकों ने सलमान खान को भारत के विभिन्न राज्यों के फिल्म प्रदर्शकों से एक आवेदन पत्र के रूप में अनुरोध करते हुए लिखा था कि वो अपनी आने वाली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को सिनेमाघरों में रिलीज करें, क्योंकि उनकी फिल्म न केवल सिंगल स्क्रीन मालिकों के भाग्य को पुनर्जीवित करने में सक्षम होती है, बल्कि सिनेमाघरों के मालिकों और कर्मचारियों को उनके भविष्य के संदर्भ में आशा की एक किरण भी प्रदान करेगी। ऐसे में सलमान खान द्वारा उनकी मांग को मान लिए जाने के बाद देश भर के थिएटर एग्जिबिट एसोसिएशन ने अपनी खुशी जताई है और सलमान खान का सभी ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। इस फिल्म में सलमान खान के साथ दिशा पटानी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुडा भी लीड रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा वो फिल्म अंतरिम में अपने जीजा आयुष शर्मा के साथ नजर आएंगे। कुछ दिनों पहले ही फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था। फिल्म को लेकर जबरदस्त बस बन चुका है। फिल्म को प्रभुदेवा डायरेक्ट कर रहे हैं। राधे का पोस्टर रिलीज किया जा चुका है, लेकिन इसका ट्रेलर और टीजर आना अभी बाकी है। तो इस पूरे वीडियो पे अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के हमें जरूर दें। साथ ही देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों और एंटरटेनमेंट के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।